लेखक खुशवंत सिंह का आज 100वां जन्मदिन है। इस मौके पर हमारे संवाददाता अजय झा ने उनसे खास बातचीत की, देखिए उस बातचीत के अंश। इस वक्त हम लेखक, साहित्यकार, इतिहासकार, कॉलमनिस्ट खुशवंत सिंह जी के साथ हैं, जो अपने जीवन की 100वें साल में कल प्रवेश करेंगे। हमारे साथ हैं सर, यू आर नाउ गोइंग टू एंटर इन 100th ईयर। सर, आप 100वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ एक्सप्रेस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जीवन के 100वें साल में आप एंटर करने वाले हैं, इस अपनी पूरी लाइफ टाइम को आप किस तरह से देखते हैं सर? क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है को खास हासिल नहीं, किताबें बहुत लिखती, 80 से ऊपर किताबें लिखती। अब मालूम नहीं लोग पढ़ते हैं या नहीं। अपनी तरफ से तो मैंने कोई दिन नहीं जीते दो चार सफ़े भर के नहीं लिखता, और उससे जमा हो गई हैं किताबें, लोग पढ़ते हैं, मुझे रॉयल्टी मिलती है, और तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आपके कंट्रीब्यूशन को तो पूरा देश जानता है, आपके कंट्रीब्यूशन को पूरा देश सलाम करता है। सबसे बड़ी बात है सर, आज के दिन में हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि लोगों तक जाने किस तरह से आपने ये लिखने पढ़ने की का जो आपका की जो शुरुआत हुई जीवन की, वो किस तरह से? मुझे बहुत तसल्ली होती है कि लोग पढ़ते हैं, जानते हैं मैं कौन हूँ। मेरा वक्त हो गया, 100 साल का हो गया, और कब जाना है इसका मालूम नहीं, मगर वक्त आ गया है जाने का। यही तसल्ली है कि लोग जानते हैं ये क्या कर, कौन था, क्या कर गया। आज आप अपने जीवन में जब पीछे मुड़ के देखते हैं सर, तो आपके दिल के करीब आपकी सबसे, चाहे वो पहली बुक हो जो आपने लिखी थी, या ट्रेन टू पाकिस्तान हो, या जैसे आप इलस्ट्रेटेड वीकली के संपादक थे, आपने सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखा था कम्युनिटी के ऊपर, क्या सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब है जो आप चाहेंगे कि आपके बाद जो लोग पढ़ेंगे उसको जो सबसे ज़्यादा उससे लिखा? पहले जो सबसे पहले लिखा उसका नाम तो और था, मनोवाजरा गाँव के नाम पे लिखा था जी। तो उसको अवार्ड तो मिला एज बेस्ट वर्क ऑफ फिक्शन फ्रॉम इंडिया, बिकी नहीं, उसका नाम बदल दिया ट्रेन टू पाकिस्तान जी, जी। तो एकदम बिक जी, जी, जी। बिक गई जी। और बेस्ट सेलर बन गई, मुझे रॉयल्टी मिली। मगर मेरा असली नावल तो है दिल्ली, जिससे मैं खुश हूँ।